पूर्व स्थायी समिति सभापति राजेश वद्रिया के खिलाफ उल्लासनगर एक के पुलिस स्टेशन में हरि सिंह चरण सिंह लबाना की शिकायत पर अदखल पात्र का आरोप दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं क्या है कहना शिकायतकर्ता का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे अनपढ़ को जाहिर को जिसको कुछ ये भी नहीं पता है कि किस शब्द का कहाँ पे यूज करना है, उसको ये भी नहीं पता कि जिस वार्ड से वो जीता है वहाँ के लोगों ने उसको मत दिया है, ना कोई पाकिस्तान से आया है ना कोई बाहर से आया है। देखो, धर्मों में सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म। ना जड़ हमने पहले छोड़ी थी, ना जड़ हम अब छोड़ेंगे, ना नफा नुकसान हमने पहले सोचा था, ना नफा नुकसान हम अब सोचेंगे। चाहे भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हो उसे हम झेलने के लिए तैयार हैं। अब जो पंजाब में जो सरकार आई है वो आम आदमी पार्टी द्वारा आई है, पंजाबियों द्वारा आई है, सिखों द्वारा आई, आम जनता द्वारा आई है। पता नहीं हमारे जो राजेश नगर सेवक जो नगर सेवक है उन्होंने एक टिप्पणी की है कि उसे खालिस्तान ने सपोर्ट किया। खालिस्तान कहाँ से आए, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आपका काम है नदी और कचरे की साफ सफाई करना, वार्ड की साफ सफाई करना, और आप पंजाब की बातें कर रहे हैं। हमें हमारा जो सिख समाज है इस बात से बहुत ही आहत हुआ है। मुझे कहीं नांदेड़ से, दिल्ली से और पंजाब से अकाली दल निहंग सिंहों के फोन आ रहे, भाई तुम उल्लासनगर में कर क्या रहे हो, शाम क्यों बैठे हो। अब तक तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो जानी चाहिए थी, पर यह समाज कानून के प्रति पालन करते हो उन शब्दों का पालन करता है। और अभी हम एक नंबर में गए थे, सीनियर कदम साहब से मिले, कदम साहब से हमने अपने विचार रखे। कदम साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना एक लेटर दें, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं तो ये सिख समाज आक्रोश में एक नंबर से पांच नंबर तक के लोग जो इतने आक्रोश है कि वो कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। पर हमने उन्हें मना किया, वो कुछ भी हो सकता है, कानून अपना काम करेगा और हमारा समाज उसे सपोर्ट करेगा। हम कानून से उम्मीद करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द इंसाफ दे और राजेश वद्रिया पर एक FIR दाखिल होनी चाहिए ताकि वो इस प्रकार के कोई शब्द यूज न करे। धन्यवाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है जिसे लोगों ने चुना, वहाँ के जो राय थी पब्लिक की उन्होंने वोट किया, हमें जिताया कि संविधान से हर किसी को हक मत करने का। और हमारे यहाँ पे उल्लासनगर के नगर सेवक है राजेश वद्रिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे अनपढ़ को जाहिर को जिसको कुछ ये भी नहीं पता है कि किस शब्द का कहाँ पे यूज़ करना है, उसको ये भी नहीं पता कि जिस वार्ड से वो जीता है वहाँ के लोगों ने उसको मत दिया, ना कोई पाकिस्तान से आया है ना कोई बाहर से आया है। जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। उसने ये क्यों कहा कि उनको खालिस्तानियों ने सपोर्ट किए, ये हमको खालिस्तानियों ने वोट दिया है? क्यों भाई, हमारे संविधान में कई सपोर्ट करने की आज़ादी है क्या? कोई बाहर से आके वोट करेगा? संवैधानिक तरीके से पंजाब में आम आदमी की पार्टी बनी है और ये कह रहा है कि वो खालिस्तान ने बनाई है। ये खालिस्तानी कौन है? इस अनपढ़ को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई खालिस्तान है ही नहीं। देखिए, ये मामला कुछ ऐसा था कि हाल ही में आपने देखा होगा कि पांच राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें से मुख्य जो पंजाब राज्य था उसमें जो आम आदमी पार्टी की बहुमत में विजय हुई थी, सो वहां पर उनको देखते हुए जो उल्लासनगर के महानगर पालिका के नगर सेवक हैं राजेश वद्रिया जी, उनके तरफ से एक UMC ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट पोस्ट की थी कि जो पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की वो खालिस्तानियों द्वारा बनाई गई है, जो एक ये एक बहुत ही गलत तरीका और शर्मनाक तरीके का ये पोस्ट थी, उन्होंने ये वहाँ पर डाली। तो इस पोस्ट को जब ये हम लोग ने देखा तो हमारा सिख समाज काफ़ी नाराज़ हुआ और आक्रोश में आ गया कि ये किस तरीके का वाहियात तरीके का ये पोस्ट इन्होंने डाली है। तो काफ़ी हमारा सिख समाज इससे नाराज़ हुआ और हमने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि ये एक खालिस्तानी शब्द कहना अपने आप में एक कहते हैं कि उसको हम बोल नहीं सकते कि उन्होंने ये शब्द कैसे यूज़ किया है। सो इस बात को लेकर पूरा सिख समाज नाराज़ हुआ और हमने एक नंबर पुलिस चौकी वहाँ पर हमने एक अर्ज दाखिल किया कि इनके ऊपर जो धाराएँ बनती है उनके तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए। सो हमें पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और जो भी उनके ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट थी
उनके आधार पर ये आप देख सकते हैं उनके ऊपर ये गुनाह दाखिल हुआ है। सो मैं यही करना चाहूँगा कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरह की पोस्ट ग्रुप में डाल रहा हूँ, कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को, आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि जो ये शब्द खालिस्तानी शब्द है, पहले तो बहुत से लोगों को इसका अर्थ ही पता नहीं है कि ये शब्द क्या है, पहले इसका अर्थ समझें उसके बाद टिप्पणियाँ करें। सो मैं यही कहना चाहूँगा, उल्लासनगर में जो नौजवान है सिख समाज के काफ़ी सक्रिय हैं, आप ऐसे कोई बाइट या कोई ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट न डालें कि उसमें आपको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।